Which do you think would be more fun, traveling by aeroplane or sailing on a ship? Why do you think so? कौन सा ज़्यादा किस में ज़्यादा मज़ा आएगा, ट्रेवलिंग बाई एरोप्लेन में या सेलिंग ऑन ए शिप, शिप से जाने में, एरोप्लेन से जाने में? तो आप अपना आंसर भी लिख सकते हो, दैट इट वुड बी मोर फन, इट वुड बी मोर फन ट्रेवलिंग बाई आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, ट्रेवलिंग बाई एरोप्लेन और सेलिंग ऑन शिप। ओके, ट्रेवलिंग बाई एरोप्लेन और सेलिंग ऑन शिप कुछ भी लिख सकते हो आप, एनीथिंग यू कैन राइट। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग बाई शिप मोर फन ट्रेवलिंग बाई एरोप्लेन में भी लिख सकते हो आप, ट्रेवलिंग बाई एरोप्लेन जैसे सोहन ने बताया, ट्रेवलिंग बाई एरोप्लेन बिकॉज आई कैन सी क्लाउड्स स्काई, है ना, ये भी लिख सकते हो आप। या जैसे कि अंशुमन ने बताया, इट वुड बी मोर फन, वो कहाँ दूसरे वाले, क्लाउड्स एंड स्काई एंड इट वुड बी मोर फन ट्रेवलिंग बाई या सेलिंग ऑन ए शिप, सेलिंग ऑन ए शिप एज आई कैन सी द वाटर एनिमल, एज आई कैन फील द टच ऑफ वाटर, पानी को महसूस कर सकते हैं। ओके, ये तो था आपका विच वुड बी यू थिंक इज अ मोर। नाउ वी कम टू द कलेक्टिव नाउन्स। एज यू सी इन द पिक्चर, कलेक्टिव नाउन आर द ग्रुप ऑफ थिंग्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। जैसे द नेम यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग, इट कैन बी एनिमल्स लाइक स्क्वायरल और एलिफेंट, इट कैन बी थिंग्स लाइक टेबल्स और ट्रीज। तो उसको हम नाम दे देते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे स्क्वायरल हो, चाहे एलिफेंट्स हो, या टेबल्स हो, या ट्री। सो वी सी जैसे ये है अ लायन, दिस इज अ लायन, दिस इज वन लायन, और जब बहुत सारे लायन इकट्ठा हो जाते हैं, दे आर कलेक्टेड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ प्राइड ऑफ लायन। जब बहुत सारे लायन इधर इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ लायन को बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस। ऐसे गूज है, गूज क्या है, एक बर्ड है। ठीक है, गूज क्या है, वन वर्ड। और जब बहुत सारे गूज इकट्ठा हो जाते हैं, उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्लॉक ऑफ गीज, फ्लॉक ऑफ गीज। देन ये हैज हो गए, ये वन है, और ये ग्रुप को बोलेंगे प्रिकल, प्रिकल ऑफ हैजॉग्स। बहुत सारे हैजॉग इकट्ठा हो जाते हैं। एलिफेंट होता है सिंगल, से बोलते हैं एलिफेंट। और जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ड। आप लोगों ने फोर्थ में इंग्लिश में पढ़ा होगा हर्ड, पढ़ा है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हिप्पोपोटामस वन है तो वन बोलेंगे, और जब बहुत सारे हिप्पोपोटामस हो जाते हैं उसे कहते हैं ब्लॉट, BLOAT, ब्लॉट ऑफ हिप्पोपोटामस। फिश, फिश होती है वन, और जब बहुत सारी फिश इकट्ठा हो जाती है, जब मोर देन, सब क्या बोलते हैं उसे, स्कूल, स्कूल ऑफ फिश। स्क्वायरल, व्हाट वुड बी द ग्रुप ऑफ स्क्वायरल, यू कैन क्लैप लाइक दैट, वुल्फ होता है, वुल्फ होता है सिंगल, और जब बहुत सारे वुल्फ इकट्ठा हो जाते हैं कहते हैं पैक, पैक ऑफ वुल्फ। व्हेल, व्हेल जब एक होती है, सिंगल होती है, जब बहुत सारे व्हेल इकट्ठा होते कहते हैं पॉड, पॉड ऑफ व्हेल्स। बी, बी सिंगल होती है,
बट ग्रुप ऑफ बीज को कहते हैं स्वार्म, स्वार्म ऑफ बीज। पपी, पपी एक होता है लेकिन बहुत सारे पपी जब इकट्ठा हो जाए उसे कहते हैं लिटर। ओके और चलिए और कोई चीज मुझे बताइए, ग्रुप ऑफ सोल्जर को हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सोल्जर आर्मी कहेंगे, वेरी गुड। ओके अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक जगह हो उसको हम क्या कहेंगे? क्राउड। ओके अ ग्रुप ऑफ फुट, ग्रुप ऑफ फुटबॉलर को हम क्या कहेंगे? टीम, अ टीम। अ ग्रुप ऑफ स्कूल, ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम बोलेंगे क्लास। ओके देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेस टू फाइंड आउट मोर कलेक्टिव नाउन्स यूजिंग। ओके तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन और भी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रुप वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स देयर आर सम वर्ड रिटन, यू सी दैट, बहुत सारे वर्ड लिखे यहाँ पे, क्लम, क्लस्टर, कॉयर, बंच, फ्लॉक, बैंड। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज। ट्रेवलर ने पेड़ों के झुंड के नीचे आराम किया, क्लम्प ऑफ ट्रीज। द डैश सॉन्ग ब्यूटिफुली, कॉयर सैंग ब्यूटिफुली। द बंचेज ऑफ फ्लावर्स वाज लाइंग ऑन द टेबल, द डैश ऑफ फ्लावर्स, बंचेज ऑफ फ्लावर्स। द गर्ल लुक्ड अप एट द डैश ऑफ स्टार्स, क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। द डैश ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड, द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड। द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ बर्ड्स, डैश ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स।